जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माता सुमित्रा का विवाह राजा दशरथ से कैसे हुआ था और राजा दशरथ भोग विलास में लिप्त रहते थे और उनके नगर में शनि की कुदृष्टि पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वहाँ बरसात होनी बंद हो गई थी। सारे जीव जंतु प्यास से मरने लगे थे और राजा को इस चीज़ का ज्ञात नहीं हो पाया था। राजा अपने महल में हमेशा पड़े रहते थे। एक दिन जब राजा दशरथ एक जंगल में जाते हैं, वहाँ पर पक्षियों द्वारा उनके कुकर्मों का पता चलता है, तो वह अपनी गलती को मानते हैं। और उस जंगल में जैसे ही पक्षियों को यह पता चलता है कि राजा दशरथ इस पेड़ के नीचे ही बैठे हैं और उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए सारी बातों को सुन लिया है, पक्षी अपने बच्चों को मुख में दबाकर और वहाँ से डर के मारे उड़ जाती है, क्योंकि वो जानती है कि राजा दशरथ शब्दभेदी विद्या जानते हैं, जिससे वो हमारे सभी पक्षियों को मार डालेंगे। राजा दशरथ अपनी गलतियों को स्वीकार करके कहते हैं कि अरे पक्षिणी, मत जा, मैं तुम्हें भगा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैंने तो अपनी गलतियों को तुमसे सीखा है कि मैंने क्या किया है। इसके आगे की कथा आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने और बताने जा रहा हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आई बटन के लिंक पे और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप इस वीडियो को पिछले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए कथा को शुरू करते हैं। पक्षियों के चले जाने के बाद राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचकर दशरथ ने देवताओं से पूछा, इंद्र कहाँ है? महाराज दशरथ ने हुंकार भरते हुए कहा, अरे देवराज, तू कहाँ है, आकर मुझसे युद्ध कर। देवताओं ने कहा, हे राजन, आप किस कारण क्रोध कर रहे हैं? आपके साथ इंद्र युद्ध नहीं करेगा। राजा ने कहा, मेरे राज में वृष्टि नहीं हो रही है, अनावृष्टि के कारण मेरी सृष्टि नष्ट हो रही है। किस कारण मेरे राज में वृष्टि नहीं हो रही है? अनावृष्टि के कारण मेरी प्रजा कष्ट में फंस गई है। 14 वर्ष की अनावृष्टि के कारण धान नहीं हुआ है। दुख से पीड़ित प्रजा मेरा अपमान कर रही है। इस समय सुवृष्टि करके प्रजा की रक्षा करो, अन्यथा मैं इस अमरावती को जीत लूंगा। ऐसा सुनकर समस्त देवताओं ने जाकर इंद्र से सारा वृतांत कहा। इंद्र ने कहा, राजा किस कारण यहाँ आया है? मनुष्य होकर निंदा कर रहा है, क्या उसके मन में शंका नहीं है? देवगण ने कहा, हे देवराज, हुंकार त्याग दो, राजा के युद्ध करने पर किसी का निस्तार नहीं होगा। राजा शब्द मात्र पर शब्द भेदी बाण चला देता है, उसके साथ युद्ध करने पर स्वयं आप ही मर जाएंगे। जब तक राजा का मन शांत नहीं होता, तब तक उसके साथ मधुर संभाषण करते रहो। देवताओं की बात को इंद्र टाल नहीं सके और उनके अर्धपाद देकर राजा की अभ्यर्थना की। राजा दशरथ ने उसे संबोधित करते हुए कहा, मेरे राज्य में अनावृष्टि के कारण वहाँ पर जल का बरसात नहीं हुआ है। हे राजन, आप ध्यान लगाकर सुनिए, शनि की दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ गई है। ऐसा देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से कहा, यदि रोहिणी पर से उसकी दृष्टि हटा सको, तभी आपके देश में महावृष्टि होगी। इंद्र की बात पर राजा दशरथ चल दिए। वह रथ चलाकर शनि के भवन में जा पहुंचे। शनि के घर पर जाकर राजा ने उसे पुकारा, तब शीघ्र बाहर शनि निकल आया और उनके सामने खड़ा हो गया। शनि की दृष्टि पड़ते ही उनका रथ टूट गया और उनके 8 घोड़े आकाश में गिरने लगे। रथबंधन टूटने से, उसे आधार नहीं मिलने से, वह चक्र के समान आकाश से गिरने लगा। वहां पर राजा की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। जटायु नाम का पक्षी आकाश में उड़ रहा था। उसने रथ को आकाश से गिरते हुए देखा। उसने सोचा कि आधार न पाने से राजा पृथ्वी पर गिर जाएगा, उसका शरीर चूर चूर हो जाएगा। यदि इस समय मैं राजा का उद्धार कर दूं, तो हमारा यश सर्वत्र फैल जाएगा। महाराज दशरथ तो धर्म के अनुष्ठान हैं, मेरे रहते हुए ऐसा राजा प्राण त्यागे, पृथ्वी पर गिरने पर राजा कातर हो जाएगा। ये सोचकर पक्षीराज ने अपने दोनों पंख फैला दिए। फैले हुए पंखों सहित महावीर जटायु वहीं ठहर गया। राजा उस पर स्थिर हो गया। फिर राजा ने रथ से घोड़ों को जोत दिया और उन्होंने जोड़कर ध्वजा और पताका बांध दी। सारथी ने घोड़ों के शरीर पर चाबुक मारी,
तब पुनः घोड़ा आकाश मार्ग में चल दिए। राजा ने कहा कि इसी स्थान पर रोको, देखें किसने हमारे प्राणों की रक्षा की है, यह पितामह रघु या पितामह अज थे। ऐसी विपत्ति के समय मेरा रक्षक कौन बना। उन्होंने पक्षीराज को रथ पर उठा लिया। उन्होंने मधुर वचनों में उनसे पूछा, मैं पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर रहा था, उस समय आपने मेरी रक्षा की थी। आप किस देश के वासी हैं तथा किसके पुत्र हैं, आप हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। पक्षीराज ने कहा, हम पक्षी जाति के हैं, मेरा बड़ा भाई राजा संपाति है, हमारा नाम जटायु है, हम गरुड़ के पुत्र हैं, हम आकाश में उड़ते फिर रहे थे, मैंने पछाड़ खाकर तुमको गिरते हुए देखा, तब मैंने पंख फैलाकर आपके जीवन की रक्षा की है। राजा दशरथ ने कहा कि तुम हमारे मित्र हुए, तुमने हमें प्राणदान दिया है, तुम्हारे चरित्र के विषय में मैं क्या कहूँ। तदुपरांत राजा ने रथ से काष्ठ निकालकर स्वयं अग्नि जलाई, अग्नि को साक्षी मानकर दोनों में मित्रता हो गई। जटायु पक्षी राजा दशरथ का मित्र बन गया। जो जटायु पक्षी की कथा सुनता है, श्री हरि नारायण सर्वत्र उसकी रक्षा करते हैं। विदा होकर पक्षी अपने देश को चला गया। राजा दशरथ पुनः शनि देव के भवन में गए और राजा को देखकर शनि मन में भयभीत हो गया। उसने कहा, हे दशरथ, तुम मेरी कुदृष्टि से निस्तार पाकर पुनः आ गए हो। हे राजन, तुम सूर्य वंश के भूषण हो, तुम्हारे घर में तो नारायण जन्म लेंगे, तुम धर्म के अवतार चक्रवर्ती राजा हो, इसी कारण तुम मेरे कुदृष्टि पड़ने पर भी बच गए हो। तब शनि ने नेत्र बंद करके कहा कि तुम हमारे सामने से हटकर मेरे पीछे की ओर आ जाओ, मैं तुमसे अति प्राचीन कथा कहता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो। गजानन शिव का पुत्र किस भांति हुए और गौरी नंदन गणपति का जन्म कैसे हुआ, सारे देवगण उसे देखने गए। उन्होंने देवी पार्वती से कहा कि आपके आदेशानुसार सभी लोग आ गए हैं, बस केवल शनि नहीं आया है, उन्होंने मेरे पास दूत भेज दिया, तब मैं कैलाश शिखर पर पुत्र का दर्शन करने के लिए गया। शुभ दृष्टि से मैंने उसके मुख की ओर देखा, तभी सभी कहने लगे कि गणेश के सिर तो दिखता ही नहीं। यह देखकर देवगण विस्मय में पड़ गए। पार्वती के मन में दुख हो जाने से शिवजी चिंतित हो गए। देवी पार्वती ने कहा, समस्त देवगण तो अभी यहीं पर हैं, फिर मेरे पुत्र का मुख कौन ले गया। देवताओं ने ऐसा कहा, हे जगत माता, सुनिए, शनि की दृष्टि से गणेश का मस्तक भस्म हो गया है। देवताओं की बात सुनकर भवानी माता त्रिशूल लेकर क्रोध से मुझे मारने के लिए बढ़ी। मैं भागने लगा, परंतु मुझे कोई स्थान नहीं मिल पा रहा था, मैं देवताओं की आड़ में उस समय छिप गया। देवी अत्यंत क्रोध से शूल हाथ में लेकर आ गईं। पार्वती का क्रोध देखकर देवगण कांपने लगे। समस्त देवगण स्तुति करने लगे कि आप ही शनि की सृष्टि की हैं, फिर आप उसका वध किस लिए कर रही हैं। हे माता, तुम आदि शक्ति जगत माता सुगति देने वाली हो, आपकी महिमा का बखान करने की शक्ति किसमें है। आपने ही कौतुक से शनि को वर प्रदान किया है। शनि जिसकी वो दृष्टि डालता है उसका मस्तक नहीं बचता है। आपके द्वारा दिए गए वर की परीक्षा आप पर ही पड़ गई, यदि आप ही उसका वध कर देंगी फिर उसकी रक्षा कौन कर सकता है। तब ब्रह्मा ने कहा कि आप शनि का वध क्यों कर रही हैं, आप शांत हो जाइए, मैं आपके पुत्र को जीवन दान दूंगा। तब विधाता ने आज्ञा देते हुए पवन देव से कहा, जिसका सिर उत्तर की ओर हो उस सिर को काट लाओ। इंद्र का ऐरावत गंगा जल पान करके उत्तर दिशा की ओर सिर करके लेट कर निद्रा ले रहा था, पवन देव उसका सिर काट लाए। फिर उसे धड़ से जोड़ देने पर रक्त मांस जीवन का पाकर बालक गजानन हो गया। उसका शरीर मानव का और मुख हाथी का देखकर पार्वती को बड़ा दुख हुआ कि समस्त देवताओं के पुत्र सुंदर मुंदर हैं और गजवदन उन्हीं के मध्य में बैठेगा। ब्रह्मा ने कहा कि हम गणेश को राजा बना देते हैं, पहले गणपति की पूजा होगी फिर किसी और की पूजा होगी। गणेश के रहते जो अन्य देव की पूजा करेगा समस्त कार्यों में उसका पूर्व धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐरावत का मुख लगाकर लंबोदर जीवित हो गया था। हाथी के शोक में इंद्र ने कहा, उच्चेश्वरा घोड़ा और ऐरावत हाथी, इन्हीं सब संपदाओं से मेरा नाम सुरपति है। तब चतुर्मुख ब्रह्मा ने आज्ञा देते हुए पवन देव से कहा, जिसका सिर पश्चिम दिशा की ओर हो उसका सिर काट ले आओ। एक श्वेत रंग का हाथी पश्चिम दिशा की ओर सिर किए सो रहा था, पवन देव उसका सिर काट लाए। तब जीवनदान पाकर ऐरावत अपने घर चला गया, फिर कभी वह पश्चिम की ओर सिर करके नहीं सोया। देवताओं ने देवी को प्रणाम किया और अपने अपने लोक को चले गए।
इस प्रकार गणेश की कथा शनि ने राजा दशरथ को सुनाई। मैं शुभ दृष्टि से अथवा कोप दृष्टि से जिसे देखता हूँ उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। मानव होकर तुम भी बार बार आ रहे हो। सूर्यवंश में जन्म लेने के कारण तुम बच सके हो। तुम सूर्यवंशी हो। मैं सूर्य का पुत्र हूँ। एक ही वंश में जन्म लेने के कारण तुम बच गए हो। तुम किस कारण मेरे पास आए हो? तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूँगा। तब यशस्वी दशरथ ने कहा कि मैं तुम्हारी दृष्टि रोहिणी नक्षत्र पर पड़ने से हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। शनि ने कहा कि हम आज ही रोहिणी को छोड़ देंगे, अर्थात रोहिणी के ऊपर से दृष्टि हटा लेंगे। हे नृपमणि, बिना विलंब किए तुम शीघ्र ही अपने देश को चले जाओ। आज से ही तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, तीनों लोकों में तुम्हारा यश व्याप्त हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र की वृष राशि में जिनका जन्म होगा उसके घर में मेरा आगमन नहीं होगा। संतुष्ट होकर शनि ने राजा को वरदान देते हुए कहा। तब राजा दशरथ शीघ्रतापूर्वक इंद्र के पास आ गए। सभा में देवताओं के सहित इंद्र बैठे थे। इंद्र के आसन पर दशरथ उसके साथ जाकर बैठ गए। उन्होंने सारा वृतांत देवराज इंद्र से कह सुनाया। जिस प्रकार से उन्होंने शनि देव को प्रसन्न किया था, राजा की बात सुनकर देवराज ने कहा कि आप अपने देश जाइए, वर्षा इसी क्षण होगी। केवल 7 दिन ही वर्षा नहीं होगी बल्कि तुम्हारे राज्य में समय समय पर जलवृष्टि करता रहूंगा। विदा होकर राजा अपने देश को लौट गए। तो इस तरह से दोस्तों राजा दशरथ के राज्य में वर्षा होनी शुरू हो गई। इंद्र ने चारों मेघों को अयोध्या राज्य में 7 दिनों तक वर्षा करने की आज्ञा दे दी। तब पृथ्वी पर आवर्त संवर्त द्रोण तथा पुष्कर नामक चारों मेघों ने वर्षा की। नद नदी सरोवर जल से पूर्ण हो गए। अकाल समाप्त हो गया। वृक्षों पर फल फूल फूलने लगे। जल पाकर समस्त जीव समृद्ध हो गए। ठीक उसी प्रकार जैसे तपस्या के उपरांत मनोरथ सिद्ध होता है, राज्य में प्रजा वर्ग द्वारा दान व ध्यान होने लगे। सुख समृद्धि संयुक्त राजा दशरथ इंद्र के समान शासन करने लगे। राजा की आयु 9000 वर्ष की हो गई। उनकी 750 रानियों में से किसी के पुत्र भी नहीं हुआ। सभी निपुती थीं। उनमें से एक रानी राजा भार्गव की पुत्री थी। उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अत्यंत सुंदर सच्चरित थी। सुवर्ण जैसी सारंग वंदनी नाम का हेमनता रखा गया। राजा दशरथ के सखा लोमपाद अंग देश के राजा थे। राजा दशरथ को कन्या उत्पन्न हुई है सुनकर राजा लोमपाद ने उसे लाने के लिए दूतों को भेजा। राजा लोमपाद पुण्यवान तथा धर्म के अनुष्ठान के थे, अतः वह उनकी बात नहीं टाल सके। कन्या हेमलता को राजा दशरथ ने लोमपाद के घर पलने के लिए दे दिया। राजा दशरथ अपने राज्य में अच्छे तरीके से शासन करने लगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिखकर जरूर जाना। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।